मॉर्निंग एवरीबडी, आप सकुशल समझकर सवेरे का शुभोदय। आप कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में आप सीखे थे डॉक्टर फ्रांकी क्या किए थे, डॉक्टर फ्रांकी क्यों डॉक्टर बना, क्यों झील में रहता था, लेक में रहता था, क्यों, क्या किस किस को ने बातचीत किया। देखिए फ्रांकी मेंढक ही फ्रांकी डॉक्टर फ्रांकी है, खरगोश के साथ, लोमड़ी के साथ, आदि के साथ, हिरण के साथ बातचीत की, क्या क्या बातचीत की, और दोस्त बनाने के लिए क्या पूछा, मैं झील में हूँ, मुझे, मैं डॉक्टर हूँ, आपके बीमारियों का डिशेस का मैं ट्रीटमेंट दूंगी, सब डिशेस को आपको ट्रीटमेंट मेरे पास है कहा था। और क्या कहा था, हाथी पूछा था, एलिफेंट ने पूछा था, मिस्टर फ्रांकी आप किन किन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, क्या पूछा था, किन किन बीमारियों का इलाज करते थे, किन किन विच और डिसेस को आप ट्रीटमेंट देंगे, ऐसे पूछे थे। वो मैं आप लोगों की सब बीमारियों का इलाज कर सकता हूँ, और बीमारियों का और डिसेस को मैं इलाज कर सकती हूँ। इसलिए कौन पूछा था, हिरन डीर पूछा था, हाँ डीर क्या पूछा था, क्या आपके पास दवाइयाँ भी है, क्या आपके पास यू हैव मेडिसिंस, पूछे थे। और क्या बोला था डॉक्टर फ्रांकी ने, आज के क्लास में ज़्यादा जानकारी आपको मिलता है। चलो पेज नंबर 20 मैं लेसन पढ़ूंगी। मेंढक, हाँ हाँ मेरे पास बहुत सारे दवाइयाँ हैं, मैं आपके सब रोगों का इलाज कर सकता हूँ। मोर श्रीमान आप कहाँ रहते हैं। मेंढक, मैं पास ही झील में रहता हूँ। लोमड़ी, अगर तुम सब लोगों का इलाज कर सकते हो तो फिर आप अपने लंगड़े पैर का इलाज क्यों नहीं करते, अपने लंगड़े पैरों के कारण तुम हमेशा फुदकते क्यों रहते हो। ये सुनकर सब जानवर हंसने लगे। मेंढक का झूठ पकड़ा गया, वहां हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तुम सबसे दोस्ती करने के लिए ही झूठा ढाकर बना था। लोमड़ी, किसी को दोस्त बनने के लिए झूठ का सहारा लेना ठीक नहीं है। हाथी, आगे से कभी झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना और हमें अपना दोस्त समझना। मेंढक, मैं सदा सच बोलूंगा, मेरे दोस्त तो सदा सच ही बोलेंगे। चलो और एक बार, हाँ, मेरे पास बहुत सारे दवाइयाँ हैं, मैं आपके सब रोगों का इलाज कर सकता हूँ। मोर श्रीमान आप कहाँ रहते हैं। मेंढक, मैं पास ही झील में रहता हूँ। लोमड़ी, अगर तुम सब लोगों का इलाज कर सकते हो तो फिर अपने लंगड़े पैर का इलाज क्यों नहीं करते, अपने लंगड़े पैरों के कारण तुम हमेशा फुदकते क्यों रहते हो। ये सुनकर सब जानवर हंसने लगे। मेंढक का झूठ पकड़ा गया, वहाँ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, दोस्तों मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम सबसे दोस्ती करने के लिए ही झूठा डॉक्टर बना था। लोमड़ी, किसी को दोस्त बनने के लिए झूठ का सहारा लेना ठीक नहीं। हाथी,
आगे से कभी झूठ मत बोलना, सदा सच बोलना और हमें अपना दोस्त समझना। मेंढक, मैं सदा सच बोलूँगा, मेरे दोस्तों सदा सच ही बोलूँगा। हाँ ओके, क्या आज कल क्या हुआ था? लोमड़ी और हाथी, हिरन, खरगोश, मेंढक से बातचीत, वार्तालाप, कन्वर्सेशन किए थे। क्या क्या फ्रॉम ने झूठ बोला था? क्या मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास बहुत सारे दवाइयाँ हैं, मेडिसिन से आप सब के लिए मैं ट्रीटमेंट, सब डिशेस के लिए मैं ट्रीटमेंट दूँगी, ऐसा बोला। आज एक नया मोर आया, मोर पिकॉक आया। हाँ देखिए मेंढक, हाँ ऐसे मेरे पास बहुत सारे दवाई हैं, मेरे पास बहुत सारे दवाइयाँ हैं, मेडिसिंस है, मैं आप सबके रोगों का इलाज कर सकता हूँ, मैं आप सबके सबका क्या डिशेस को बीमारियों का मैं इलाज कर सकता हूँ, ट्रीटमेंट मैं दूंगा। मोर बोला, मोर पिकॉक बोला, श्रीमान आप कहाँ रहते हो? ए यू, कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? प्रॉपर कहाँ है? पूछा कौन? पिकॉक मोर ने पूछा। मेंढक बोला, फ्रॉग ने बोला, डॉक्टर फ्रॉग ही बोला, मैं पास ही झील में रहता हूँ, नियर ही रहता हूँ, यही लाख लेक है, यही सरोवर है, मैं वहाँ रहता हूँ। लोमड़ी, अगर तुम सब लोगों का इलाज कर सकते हो तो फिर आपने लंगड़ते क्यों, लंगड़ते पैर का इलाज क्यों नहीं करते? लोमड़ी बोला, फॉक्स बोला, क्या अगर आप सबका बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, रोगों का ट्रीटमेंट देते हैं, परंतु आप क्यों लगड़ते हो? आपका लगड़ते हो तुम्हारा पाँव, पैर फुट क्यों लैम है? वो क्यों ट्रीटमेंट नहीं लेता है? आपकी लंगड़ते पाँव का क्यों नहीं ट्रीटमेंट देते? आपने लंगड़ते पैरों का कारण तुम हमेशा भुदकते हो, आपकी लेग क्या हुआ, लैम है, लंगड़ते हैं, इसलिए आप फूदते हॉपिंग करते हैं। क्यों करता? वो फ्रॉग हॉपिंग करता है ना, हॉपिंग करते हैं, क्यों? आप इलाज कर लो, आप ही ट्रीटमेंट ले लो। ये सुनकर सब जानवर, सब ऑल एनिमल्स जोर से लाफिंग किया। मेंढक का झूठा पकड़ गया, वो क्या हुआ था, ट्रू नहीं बोले थे, झूठ बोले थे, वो क्या हुआ, पकड़ा गया, वो मिल गया। वहाँ हाथ जोड़कर खड़ा होकर, हाथ छोड़कर, दो हाथ पे जोड़कर खड़ा होकर बोला, बोला क्या करूँ, दोस्तों, फ्रेंड्स मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। मैं तुम्हें सबसे दोस्ती करने के लिए मैं झूठा फ्रॉम बनाता, मैं आपके साथ फ्रेंडशिप जोड़ने के लिए मैं झूठ बोलाता, सच नहीं बोला, ली झूठ मीनिंग ली बोलाता, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ हमको रिक्वेस्ट किया। कौन? फ्रॉग ने, वो ली बोला था, क्योंकि वो सबके साथ फ्रेंडशिप जोड़ना चाहता था, फ्रेंडशिप करना चाहता था, इसलिए वो झूठा सहारा, झूठा का ली का हेल्प लेकर वो सबके साथ डॉक्टर फ्रॉग ही बना था। लोमड़ी बोला, फॉक्स बोला, किसी को दोस्त बनने के लिए झूठ का सहारा लेना ठीक नहीं है,
किसी का फ्रेंडशिप करने के लिए ली का हेल्प लेना अच्छा बात नहीं है, ये बुरा बात है। हाथी बोला, आगे से कभी झूठ मत बोलना। हाँ, आगे से बाद हो अब नेक्स्ट तो कभी भी ली हेल्प नहीं लेना, कभी भी तुम्हें सच ही बोलना, ट्रू बोलना, सदा सच बोलना और हमें अपना दोस्त समझना। हम सब आपके दोस्त हैं, हम सब आपके दोस्त हैं, वी आर आल्सो योर फ्रेंड्स। प्लीज डोंट ली से, कौन बोला? हाथी बोला, मैं सदा सच बोलूँगा। बाद में मेंढक फ्रॉग ने बोला, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, ली नहीं बोलूँगा, हमेशा एवरी डे मैं क्या बोलूँगा, ट्रू बोलूँगा। मेरे दोस्त सदा सदा सच ही बोलेगा। मेरा दोस्त यू आर आल्सो मैं आल्सो मैं कभी भी आपको सच ही बोलूँगा। चलो चिल्ड्रन, आपको समझ में आया कर समझ में आया, मैं समझती हूँ। देखो चिल्ड्रन, कभी भी हम दोस्त बनने के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए कभी भी ली का सहारा मत लेना, ली का हेल्प कभी भी नहीं लेना। हम सब एक जैसा समझकर दोस्त बनने के लिए दोस्ती के साथ ही जाना। वो सच्ची बोलकर मैं आपके साथ दोस्त बनने के लिए दोस्त बनाना चाहता हूँ, आप सभी मेरा कमेंट भी पूछना, तब सभी समझते हैं। देखो बच्चों, आप सभी खेलते रहते हैं, किसी को आपके दोस्त बनना चाहता है तब आप उसे उत्तम रीति से बातचीत करके आपका दोस्त बनाने ला। चलो एक बार कन्नड़ा में बोलूँगी। डॉक्टर फ्रॉग लेसन इज डॉक्टर फ्रॉग मेंढक फ्रॉग ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗಾದರೂ ತಾನೇನು ಮಾಡ್ತು, ಅವರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಶಹರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆನೆ ಕೇಳ್ತು, ನೀನು ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನ್ನ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ನೀನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಔಷಧಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ, ನೀನಂತೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳು ಇದ್ದಾವ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನೀನು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀಯ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಯಿತು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ ಹೇಳ್ತು. ಆವಾಗ ಮೋರ್ ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ನೀನು ಹೌದು ನೀನು ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೌದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಕುಂಟ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಕುಂಟ ಕಾಲು ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆನ ಯಾಕೆ ನೀನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಕ್ಕ ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತು. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡು, ಆವಾಗ ಆನೆ ಹೇಳ್ತು, ನೋಡು ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಡ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾವಾಗೂ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಗೆ ಉಳಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ದೇಖೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಕಭಿ ಭಿ ಹಮ್ ಝೂಠ ಮತ್ ಬೋಲ್ನಾ, ಝೂಠ ಕಾ ಸಹಾರಾ ನಹೀ ಲೇನಾ, ಸಚ್ ಹೀ ಬೋಲ್ನಾ. ಲೇಕಿನ್ ಆಜ್ ಯೇ ಲೆಸನ್ ಅಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್ತೀ ಹೂ, ಆಗೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಏಕ ನಯಾ ವಿಷಯ ಲೇಕರ್ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಥ್ ರಹತಿ ಹೂ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.